हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा मयंक है और आप देख रहे हैं कॉमर्स ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट पर अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है और अपना प्राइस कैसे आपको सेट करना है, किस तरह से आपको प्राइस अपडेट करना है या कैसे रखना है, हम इस बारे में पूरा बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो पूरा एंड तक देखना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊंगा वीडियो, मैंने प्रोडक्ट खोल लिया है, आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना प्रॉफिट आता है क्या प्राइस रखने पर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं आपको फ्लिपकार्ट पर कैसे अपना रेट कैलकुलेट करना है, कैसे आपको अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। चलो वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं आपको फ्लिपकार्ट पर अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग कमीशन होती है प्रोडक्ट के कैटेगरी के हिसाब से। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको चेक कैसे करना है। आपको सबसे पहले फ्लिपकार्ट की पैनल पे आना है, वहाँ पे आपको दिखेगा भाई पेमेंट का ऑप्शन, उस पर जैसे आओगे उसको पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक दिखेगा, नीचे आओगे ना तो ऑप्शन दिखेगा आपको रेट कार्ड का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करके आप इस ऐसे पैनल पे आ जाओगे। आप जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जैसे आप पेमेंट सेक्शन पे क्लिक करोगे पेमेंट वाले टैब पर, तो उस वो जैसे ओपन होगा तो आपको नीचे दिखेगा रेट कार्ड का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। फिर आप ऐसे पैनल पे आ जाओगे स्क्रीन पर, तो यहाँ पे आपको अपने चेक करना है कि आपका कैटेगरी जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी में आना है। तो आप यहाँ प्रोडक्ट नेम एंटर करना है, जैसे कि हम अभी एंटर कर रहे हैं ब्रीफ का, लेडीज अंडरगारमेंट्स का, वो आता है ब्रीफ में। जैसे मैं BRE लिखूंगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा ब्रीफ इन इनर वेयर एंड स्लीप वेयर किड्स ब्रीफ, या ब्रीफ केस तो अलग हो गया भाई, बैग हो गया। हमें चेक करना है अंडरवेयर का, अंडरगारमेंट्स का, तो हमें चेक करना है इसमें सबसे ऊपर वाले में, इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर रेट कार्ड का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको सारी डिटेल जो भी होगी दिख जाएगी, जैसे कि कमीशन दिख जाएगी, फिक्स फी दिख जाएगी, कलेक्शन फी दिख जाएगी और शिपिंग फी दिख जाएगी। ये चार चीज़ें इस पर मिलने लगती है फ्लिपकार्ट के मार्केट प्लेस पर, कमीशन लगती है, फिक्स फी लगती है, कलेक्शन फी और शिपिंग फी। तो ये जो कमीशन है भाई हर कैटेगरी के हर प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी अलग अलग होती है। तो हम अभी चेक कर रहे हैं ब्रीफ के हिसाब से, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सर्च करके चेक कर लेना आपको कितना कमीशन लग रहा है इसमें। तो देखो कमीशन कुछ इस तरह से लग रहा है, इसमें स्लैब बना रखे हैं 0 से 300, 300 से 500, 500 से 1000 और 1000 से ऊपर वाले आइटम। अगर आप जो प्रोडक्ट है 300 तक का है तो आपके ऊपर लगेगा भाई 6%, अगर 300 से 500 का है तो आपको लगेगा 11%। इस तरह से ऐसे इन्होंने देखो इन्होंने इस तरह से कमीशन बांट रखी है हर रेट के हिसाब से, हर स्लैब बना रखे इन्होंने। तो दूसरी चीज़ हमें लगती है भाई इसमें फिक्स फी ना भाई, फिक्स सेम जैसे कमीशन लेते हैं ना ये स्लैब बना के, सेम चीज़ इनका है भाई फिक्स फी में। 300 तक में लेंगे 23 रुपये और 300 से 500 के बीच में लेंगे 23 रुपये, तभी सेम है। लेकिन 500 से 1000 रुपये की आइटम होती है तो लेंगे 34 रुपये, और 1000 से ऊपर की आइटम होती है तो लेंगे 59 रुपये। और ये फिक्स फी भाई हर ऑर्डर पर लगती है, हर ऑर्डर पर लगते हैं सब। तो ये तो इनकी फिक्स है भाई, लगती है। और तीसरी चीज़ लगती है कलेक्शन फी, अगर आपका ऑर्डर प्रीपेड है तो प्रीपेड की कलेक्शन भी लेंगे। वाह भाई वाह। तो अगर आपकी आइटम 750 तक की है तो लेंगे 12.5 रुपये, और 750 से ऊपर है तो लेंगे 2%, और पोस्ट पेड मतलब COD ऑर्डर आता है तब भी सेम ही है, कलेक्शन फी इतने लेते हैं भाई ये। और शिपिंग फी आप चौथी चीज़ लगती है भाई शिपिंग फी, पहला हो गया कमीशन, दूसरी फिक्स फी, तीसरी कलेक्शन फी, फोर्थ लगती है भाई शिपिंग फी। शिपिंग तो बस शिपिंग फी डिसाइड करेगी आप किस बेंचमार्क में हो, शिपिंग फी डिपेंड करेगा आप किस लेवल पे हो, आप वुड सेलर हो या गोल्ड सेलर हो या सिल्वर हो या प्लेटिनम हो। तो जैसे हमारा अभी गोल्ड सेलर में है तो हमें शिपिंग लगती है भाई इतनी, कांग्या गोल्ड ये रहा, तो हमें लगेगी इतनी। अगर हम गोल्ड सेलर में है तो जैसे आप नेक्स्ट स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगी ब्रॉन्ज लेवल पे, अगर आप ब्रॉन्ज सेलर हो तो एक बार आपको वहाँ चेक हो जाएगा कि आप किस लेवल पे हो। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ दिख जाएगा जैसे हम यहाँ शो कर रहे ना ब्रॉन्ज लेवल भी लिखा हुआ है, तो आप मतलब ब्रॉन्ज में हमारा, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो है कौन से लेवल पे है। तो हम चेक करते हैं ब्रॉन्ज लेवल के अकॉर्डिंग है ना, तो हमें शिपिंग लगेगी, मान लो हमारा प्रोडक्ट जो है 500 ग्राम तक का है तो लगेगी 48 रुपये अगर ऑर्डर आता लोकल से,
लोकल, जोनल और नेशनल, इन्होंने तीन तीन हिस्से में बांट रखा शिपिंग रेट को। लोकल मतलब होता है कि आपके नियर बाय एरिया से ऑर्डर आ रहा है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली से जो ऑर्डर आएगा वो लोकल होगा। जोनल वो होगा जो दिल्ली के आसपास वाले एरिया से आएगा, जैसे दिल्ली से जो दिल्ली में ऑर्डर आ रहा है यूपी से या राजस्थान से, ये होगा जोनल जो पास से ऑर्डर आ रहा है। और नेशनल होता है जो बहुत दूर से आ रहा हो, जैसे मुंबई से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है और केरला से आ रहा है, कर्नाटक से आ रहा है, असम से आ रहा है, जो बाहर के एरिया ना जो दूर है वो होता है नेशनल। ठीक है, लोकल में थोड़ी सी शिपिंग कम लगती है, जोनल में थोड़ी सी ज़्यादा लगती है और नेशनल में उससे ज़्यादा लगती है। और इन सब पे भाई जीएसटी भी लगता है, जो भी लगेगा। तो ये लगा लो नेशनल का आपके आपको अभी 70 है ना, 80-85 रुपये पहुँच जाएगा जीएसटी लग के, तो इतना लगता है शिपिंग चार्ज। ये सारा शिपिंग चार्ज आप चारों चीज़ों को ऐड कर लो और साथ में अपने प्रोडक्ट कॉस्ट मैनेज कर लो, वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट। आपको मैं एक प्रोडक्ट का दिखाता हूँ कि मुझे कितना बचता है। और जैसे आप नीचे आओगे, नीचे आपको दे रखे हैं भाई रिवर्स शिपिंग फी, जो ऑर्डर रिटर्न आएगा उसकी कितना चार्ज लगता है वो भी इन्होंने दे रखा है। रिटर्न चार्जेस, कस्टमर रिफंड, कस्टमर रिफंड का भी इन्होंने दे रखा है भाई, ये सब है। रिटर्न चार्जेस, अगर आपका ऑर्डर कोई रिप्लेसमेंट आता है तो इन्होंने डाल रखा है भाई क्या चार्ज होगा, क्या नहीं होगा, क्या रिवर्स हो जाएगा, क्या चार्ज होगा, इन्होंने सब डाल रखा है। अगर आपका ऑर्डर रिप्लेसमेंट होता है तो हम, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट खोल रखा है, हम इसका चेक करते हैं। ये हमारा बैग है, इसको हमने अभी लिस्ट करा हुआ है भाई 350 रुपये में, 350 नहीं, ये रिकमेंड कर रहे हैं हमें 350 का करो। और हम 350 का करते हैं तो हमें इतना आता है भाई एक्सपेक्टेड। अब देखो इन्होंने कोई नया फंक्शन निकाला है फ्लिपकार्ट में, तो यहाँ पे दिखा भी रहा है लोकल से हमें कितना ऑर्डर मिलते हैं, 14% इस पे आएगा नहीं, लोकल से मिलते हैं 14%। अगर मान लो ऑर्डर लोकल से आता है तो 209 बचते हैं, अगर जोनल से आता है तो 200 बचते हैं, अगर नेशनल से ऑर्डर आता है तो 184 बचते हैं। तो इन्होंने इतना कर रखा है। और इन्होंने पूरी एवरेज इन तीनों की निकाल रखी है, एवरेज हमें तीनों में का एवरेज निकाल के 196 बचते हैं। अब इसमें से हमें प्रोडक्ट कॉस्ट मैनेज करनी है, वो हमारा होगा प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन इसके अनुसार मैं चलना, आप अपना रेट सही करना, क्योंकि हमें ये रिकमेंड कर रहे हैं। अगर हम इसको बेचते हैं 389 तो दिखाता है 230 रुपये, ये सही है रेट भाई। कुछ बचना भी तो चाहिए ना, अपना रेट सही से सेट करके रखना ताकि आपको कुछ बचे। जैसे मान लो आपने लिस्टिंग कर दी, आपको ना लिस्टिंग में यहाँ पर शो हो जाएगा, मान लो जैसे लिस्टिंग कर दी आपने, तो आपने लिस्टिंग में खोलनी है तो यहाँ पर आपको दिखेगा भाई प्राइस व्यू कैलकुलेटर, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे आओगे ना, ये खुल जाएगा कैलकुलेटर, तो यहाँ पे शो डिटेल्स पे क्लिक कर लोगे आप। जैसे क्लिक करोगे आपको नीचे दिख जाएगा कि कितना क्या क्या चार्ज लग रहा है आपको, किस प्रोडक्ट पे क्या क्या लग रहा है आपको सब दिख जाएगा। जैसे कमीशन लग रही है 40 रुपये, शिपिंग लग रही है 47 रुपये, अगर ऑर्डर नेशनल से आता तो लगता है 89 रुपीज, और ये फिक्स फी लग रही है 16 रुपये, कलेक्शन फी लग रही है 12.5 रुपये, ये सब टोटल होगा चार्जेस, टोटल लग रहे हैं 115 रुपये। अब इनके ऊपर टैक्स लग रहा है 28 रुपये, और 28 रुपये लग रहा है ये लोकल के हिसाब से, 32 जोनल के हिसाब से और 36 नेशनल के हिसाब से। तो आप जब आपको मैं चीज़ बताता हूँ भाई, जब भी आप ऑनलाइन सेल करो तो हमेशा आप नेशनल का करना कंसिडर, आप नेशनल को लेकर चलना कि आपको नेशनल के हिसाब से कितना बच रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्डर नेशनल से ही आते हैं। देखो इन्होंने देख भी रखा भाई, ज़्यादातर ऑर्डर जो हमारे आते हैं 68% नेशनल से ही आते हैं। तो जो हम चेक करेंगे हमें कितना बच रहा है नेशनल के हिसाब से चेक करेंगे, तो इन्होंने एक ये माइनस हो जाएगा मार्केट एमपी मतलब है मार्केट प्लेस फीस, और इसमें आप टैक्स और जोड़ लो 36 रुपये, दोनों माइनस होके हमें बचेगा 254 रुपये। बैंक सेटलमेंट हमारी इतनी होगी। अब इसमें से हमें क्या मैनेज करना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट मैनेज करनी है, जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। मानो 250 रुपये आ रहा है और 150 रुपये प्रोडक्ट की कॉस्ट हो गई, तो 100 रुपये हमारा इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे आपको चेक करना है आपको फ्लिपकार्ट पे कितना बचना है। लिस्टिंग करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जब लिस्टिंग करोगे आपको कैलकुलेटर दिख जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हो आपको कितना बच रहा है, कब क्या बेचने पे। तो आप अगर मान लो आपका रेट कम है तो आप इसमें ना रेट बढ़ा भी सकते हो फ्लिपकार्ट पे। आपको लग रहा हो कि मार्जिन आपका कम है तो रेट बढ़ा लेना, जरूरी नहीं कम में बेचना है, आपको रेट अच्छा रहना, कम से कम आपको 80-70-80 रुपये का मार्जिन होना ही चाहिए, नहीं तो आप मार्केट प्लेस पर टिक नहीं पाओगे लंबे समय तक। ठीक है, आप ऐसे चेक कर सकते हो।
ओ हाँ मैं एक चीज बता दूं भाई, फ्लिपकार्ट पे तो रिकमेंड करते ही करते हैं, हमेशा करते हैं, चाहे आप कितना भी रेट कम कर लो, ये करेंगे और कम करो और कम करो कम और कम करो, उनके हिसाब से मत चलना, आप अपने मार्जिन के हिसाब से चलना। अगर आपको 70-80 का मार्जिन हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो रेट कम मत करना या बढ़ा देना अगर आपको मार्जिन कम हो रहा हो तो आप यहाँ चेक कर सकते हो रेट कार्ड में कि आपको कितनी कमीशन लग रही है। बैग आप कुछ भी सर्च करोगे आपके यहाँ से, देखो जैसे मैंने बैग लिखा तो बैग आ गए, बैग इन स्कूल, स्पोर्ट्स बैग, ये आप जो भी आपको सर्च करना हो अपनी आइटम के अनुसार यहाँ चेक कर लेना कितना बच रहा है, उस हिसाब से अपने रेट सेट कर लेना, कितना लग रहा है आपको सब आ जाएगा यहाँ पे। जब आप लिस्टिंग कर दोगे उस कैटेगरी में तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर दिखेगा, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो पूरा कि कितनी उसमें कितनी कमीशन लग रही है, कितना शिपिंग फी लग रही है, और चेक कर लेना भाई किस रेट पे कितना कमीशन लग रही है, क्योंकि स्लैब के हिसाब से लगती है। मान लो आपकी आइटम की जो आपने रेट डाल रखा है 305 रखा है, लेकिन अगर आप उसको 299 करते हो तो आपकी परसेंट भी कट जाएगी, आपकी जो कमीशन है वो भी कट जाएगी। तो इसके अनुसार ना आप रेट भी सेट कर सकते हो एक बार चेक करके कि अगर मैं रेट सेट करता हूँ 299 तो लगता है 6%, अगर 299 से 1 रुपया उठ जाता है ऊपर जाता है तो लगेगा 11%। तो आप रेट को ना अप डाउन भी कर सकते हो, या ये भी चेक कर लेना रेट आप इसके हिसाब से चेक कर सकते हो। जैसे मान लो 450 है, 399 करता हूँ तो 3500 में लगता है, चलो ठीक है, इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। ठीक है गाइस, मैंने आपको बताया आपको रेट कैसे सेट करने हैं, आपको अपने फ्लिपकार्ट पे यहाँ पे रेट चेक कर लेना एक बार कैलकुलेटर में जाके, वहाँ से रेट चेक करना, आप प्रॉफिट आ रहा हो तो अच्छा रेट सही है, नहीं तो रेट बढ़ा देना। अगर प्रॉफिट कम आ रहा हो कि जिससे आपका रिटर्न का कुछ नहीं होगा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, नया आए तो सब्सक्राइब करना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।